मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए सेठ जी, सब तैयारी बराबर हो गई है ना। हाँ, खाली एक चेयर डबल कर दे, एक और चेयर रख दे इसके ऊपर। क्यों? हाथी भाई आ रहे हैं ना। अरे हाँ, भूल गया, हाथी भाई अगर सिंगल कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी के पैर ऐसे हो जाएंगे। अरे भाई, तुझे कुर्सी की चिंता हो रही है, हाथी भाई गिर गए तो? नहीं, सॉरी सॉरी, मैं अभी अभी लाता हूँ। जा जा, लेके लेके जा, जल्दी 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 लेके आया सेठ जी। हाँ, ये देखिए, हो गए कुर्सी के पैर एकदम मजबूत, अब हाथी भाई नहीं गिरेंगे। भैया, चार चार कुर्सी पर हाथी भाई बैठेंगे तो उनके पैर हवा में लटकेंगे भाई, और ज्यादा देर तक हवा में पैर लटका के बैठेंगे तो उनके पैर में खाली चढ़ जाएगी। दो निकाल दे, खाली दो रहने दे। ठीक है सेठ जी। देखिए अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। सेठ जी, 6 बजने ही वाले हैं, आपके सारे गोकुल धाम के दोस्त आते ही होंगे। अरे सिर्फ आते ही होंगे नहीं बगा, खुश खुशहाल आते होंगे। कितने टाइम के बाद हम सब दोस्त यहाँ गोडाउन में एक साथ मिल रहे हैं, मजा आएगा बगा। सबके लिए तूने रजवाड़ी चाय और नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ हाँ सेठ जी, सब बंदोबस्त हो गया है। तो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं मीटिंग कैंसिल है, पार्टी भी कैंसिल है, तो क्यों? हेलो, क्या हुआ सेठ जी? पोपटलाल का फोन था, कह रहा है कि वो लोग अभी नहीं आ रहे। हाय हाय, क्यों भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, उन्होंने बताया नहीं? मैं इतना ही बोला कि मीटिंग और पार्टी कैंसिल है, इतना बोल के फोन रख दिया। बाप रे, जो लगता है उसे भी तेरी बीमारी लग गई है। कौन सी? फोन पे आधी बात करके फोन कट कर देने की। आधी आधी बात बताता है पोपटलाल भी। बोलो अभी, इसका फोन स्विच ऑफ है। अरे सेठ जी, हमने चाय नाश्ते की तैयारी कर ली है, उसका कैंसल कर दे और क्या। नहीं नहीं नहीं, कैंसल नहीं हो सकता, उन्होंने बनाना चालू कर दिया होगा। तो हमारी ओर से आजू बाजू की दुकान में बांट दे। ये भगवान से भी ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मैंने सोचा था सब दोस्त आएंगे, इन्हें चाय नाश्ता करेंगे, गप्पे मारेंगे, हंसा हंसी करेंगे, सब प्लान चौपट हो गया। अब जब जब खुश होते हैं तब तब आपके साथ ऐसा ही होता है, आपके खुशियों की रिंगटोन अचानक टेंशन का टोन बन जाती है। अरे तो अभी क्या खुश होना भी बंद कर दूं? काउंटर अटैक है? आपके भाग्य की वाइडाई आपको चैलेंज कर रही है ना, तो अब आप डबल फोर्स से खुश होइए। हसिए सेठ जी, हसिए, अपने भाग्य पर हसिए। अभी? हाँ हाँ अभी, आपके भाग्य ने अभी गुगली फेंकी है ना, आप भी स्टेप आउट करके अभी 6 मार दीजिए। शाबाश सेठ जी, शाबाश। अरे बना दे, अरे तो कमाल हो गया, लोग आ गए, तेरा भाग्य हार गया, नुस्खा काम कर गया। अरे वाह वाह वाह, आप लोग ये मतलब ये, अरे जेठालाल तुम क्यों हंस रहे हो? हमने मजा किया है तो हमें हंसना चाहिए। ओए पप्पू, तेरा तो पोपट हो गया। क्या मतलब, तूने मेरे साथ मजाक किया था? हाँ, मतलब पोपटलाल ने बोला कि जेठा को फोन करके बोलते हैं कि आज की मीटिंग और पार्टी कैंसिल। अरे भाई, ऐसा मजाक आइंदा मत करना पोपटलाल, प्लीज। हाँ, आपको पता है सेठ जी कितने मायूस हो गए थे? ऐसा लग तो नहीं रहा था भाई, जेठालाल कितनी जोर जोर से हंस रहा था। वो तो अपने भाग्य पर अटहास्य कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी आप सब आ गए तो अभी मूड एकदम मस्त हो गया। बैठिए बैठिए बैठिए। हाथी भाई, हाथी भाई आप यहाँ। अरे बस ना। हाँ एक मिनट।
मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। पूरी सोसाइटी की ओर से जेठालाल तुम्हें बड़ी डील मिलने की खुशी में तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। ओ भाई ओ भिड़े, पूरी सोसाइटी की ओर से दे रहा है मतलब तूने ये बुके खरीदने का पैसा सोसाइटी फंड से लिया? देख भिड़े, तू अपनी मर्जी से ऐसे बिना कमेटी को पूछे पर्सनल खर्चा सोसाइटी फंड से नहीं कर सकता है। पता है मुझे पोपटलाल, मैं कभी भी अपना पर्सनल खर्चा सोसाइटी के खर्चे से नहीं करता हूँ। ये बुके मैं अपनी खुशी से अपनी जेब से खर्चा करके दे रहा हूँ जेठालाल को। तुम मेरी कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी पे सवाल मत उठाओ। ये लो जेठालाल। अरे भाई हो तो उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहा है? सॉरी जेठालाल। तो जेठालाल, पुरुष मंडली की ओर से सिवाय पोपटलाल के ये बुके मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जेठालाल कंग्रेचुलेशन, जितनी बधाई दी जाए कम है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आज इस डील की तो बधाई हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे और बड़ी डील्स तुम करते रहो। थैंक यू माता साहब, थैंक यू। अरे हाँ जेठल, ये तो बताओ ये डील हुई कैसे? फोन पे तुम कह रहे थे बड़ा मजेदार किस्सा है, तो क्या मजेदार किस्सा बताओ भाई, कैसे हुई डील? हाँ हाँ, सुनने जैसी बात है। ये डील कैसे हुई ये आप लोग जानेंगे तो आप सबको सेठ जी पे बहुत गर्व होगा। अरे वाह। हाँ जेठा भाई बताइए ना। हुआ यूं कि फाइल की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपका जो भी बिल होगा उसका 10% अगर आप मुझे देंगे तो मैं ये डील आज यहीं पे फाइनल कर देता हूँ। अच्छा, मतलब ये डील फाइनल करने के लिए मुझे आपको 10% कमीशन देना पड़ेगा? और आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी बिल होगा उसका 15% एक्स्ट्रा प्राइस मैं फाइनल करवा देता हूँ, आप उसमें से मुझे बस 10% दे देना। नहीं, क्योंकि क्या है, मेरे बापूजी ने जीवन के कुछ बहुत बढ़िया सिद्धांत मुझे सिखाए हैं, उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है ईमानदारी। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा, गलती से भी कोई ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। आपको सिर्फ इस डील का नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर की सारी डील्स भी आपके हाथ से जाएगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है बागा, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। जेठालाल, तुम्हारे सिद्धांतों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं वाव रिसोर्ट का मालिक सुरेंद्र तुली हूँ। मैं देखना चाहता था कि जिस व्यापारी के साथ मैं डील कर रहा हूँ उसकी सोच कैसी, क्योंकि मुझे बिजनेस में भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन इंसान जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ ईमानदार होना चाहिए, और अब हमारी ये डील पक्की है। अरे वाह वाह जेठालाल, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतने ईमानदार बिजनेसमैन हो। वैसे अय्यर, जेठालाल वक्त के मामले में कितना भी इनडिसिप्लिन हो, लेकिन सिद्धांतवादी नंबर वन है। अरे बुढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरी तारीफ कर रहा है क्या? अय्यर भाई की तरह ताने मार रहा है? नहीं नहीं जेठालाल, दिल से बोल रहा हूँ भाई। एक आदर्श नागरिक, जिम्मेदार सेक्रेटरी और सिद्धांतवादी शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू। सही बात है जेठा भाई, हमें आप पे गर्व है। गर्व करने जैसी तो बात है ही ना, क्योंकि जेठालाल, इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसका चरित्र। मुझे तुम पे बड़ा गर्व है मित्र, कि तुम मेरे परम मित्र, और तुम पे ही नहीं, असल में सभी गोकुलधाम निवासियों पे गर्व है, क्योंकि हमारे गोकुलधाम में सब सद चरित्र, संस्कारी और ईमानदारी लोग हैं। मैं भी चरित्रवान, ईमानदार और संस्कारी हूँ, लेकिन मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं रही, मेरी शादी हो ही नहीं रही। वो एक बार पोपू बेईमान होके देख, शायद बात बन जाए।
अरे सॉरी सॉरी दोस्तों यार, मैं तो माहौल बना रहा थी, मजाक कर रहा थी। नहीं नहीं सॉरी, गलती से भी मजाक में भी ऐसा मजाक मत करना। पोपटला शादी के लिए बेईमान बन भी सकता है। वो भिड़े क्या बोल रहा है भाई, मैं पत्रकार हूँ, कुछ भी हो जाए बेईमानी नहीं कर सकता। अरे पप्पू ठंड रख यार, ओ पिड़ू यार छंड ना यार। ओ यारो चलो पार्टी की प्लानिंग करते हैं। सॉरी सॉरी करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, लेकिन चाय नाश्ता करते 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 है। अरे भी ठीक है बागा। सेठ जी मैंने मैसेज कर दिया है, बस ऑन द वे ही है। थोड़ी देर में सबके लिए मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता आ जाएगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जेठालाल, जब तक चाय नाश्ता आता है तब तक कोई और बात करते हैं। तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? कौन सा? अरे कमाल है जेठालाल, सुबह वादा करते हो शाम को भूल भी जाते हो। अरे तुमने ही बोला था ना कि जैसे मेरी डील फाइनल होती है मैं 1 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे दूंगा। आए भिड़े तूफान। अरे मेहता साहब, मुझे लगा कि यहाँ मेरा दोस्त भिड़े आया है, लेकिन यहाँ तो सोसाइटी का सेक्रेटरी आया है। अरे कभी तेरी तरह सेक्रेटरी गिरी छोड़। अरे इसमें सेक्रेटरी गिरी कहाँ से आई जेठालाल, मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ। अरे इसमें याद क्या दिलाने का, मैंने ही बोला तो मुझे तो याद ही होगा ना। अरे होगा क्या, मुझे याद ही है भाई। हाँ तो बस फटाफट चेक बना दो, फिर चाय नाश्ता आएगा, फिर गप्पे मारेंगे तो उसमें रह जाएगा। हाँ दे दो। अच्छा भिड़े, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये तुझे 1 साल का चेक अभी एडवांस में तो दे दूंगा, तो तू मुझे डिस्काउंट कितना देगा? क्या? मैं तुझे 1 साल का चेक देख कर लो माला। डिस्काउंट कहाँ से आया इसमें जेठालाल? डिस्काउंट तो होता ही है ना। भाई देखो, हमारे में तो ये रिवाज ही है क्या कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को 1 साथ में एडवांस में पूरा ऐसा पैसा देता है, तो सामने वाला व्यापारी उसको डिस्काउंट देता है। बनता है, बनता है, डिस्काउंट तो देना चाहिए। देखो जेठालाल, सबसे पहली बात, मैं व्यापारी नहीं हूँ और यहाँ पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है। हाँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ जो तुमसे मेंटेनेंस मांग रहा है, बराबर। और सोसाइटी चलाना कोई बिजनेस नहीं है, ये क्या मैं ऑनररी करता हूँ, इसका मुझे पगार नहीं मिलता है। अगर तुम इसमें बिजनेस लेके आते हो ये तो गलत बात है। चल। अच्छा तुझे ये गलत लग रहा है तो ठीक है, मैं तुझे एक और ऑफर देता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं सुननी भाई। अरे एक बार सुन तो ले। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी ऑफर जेठालाल, मैं कोई तुम्हारा कस्टमर नहीं हूँ भाई कि तुम्हारी ऑफर सुनूं, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। अरे वो सब ठीक है भिड़े, लेकिन क्या कहना चाह रहा है जेठालाल भाई, कहना तो उसका अधिकार है, तो एक बार सुन ले। हाँ सुन ले सुन ले। अरे लेकिन मैं क्यों सुनूं मेहता साहब, सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी के मेंबर से मेंटेनेंस का चेक मांग रहा है, इसमें ऑफर कहाँ से आई? नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ जो तू कह रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन भिड़े तुम्हें अगर अपनी नाराजगी प्रकट करनी ही है तो ऑफर सुनने के बाद कर लेना भाई, उसका भी अधिकार है ना, एक बार कहे तो सही, को कहना क्या चाहता है, तो एक बार जो कहना चाहता है सुन लो। बोलो जेठालाल बोलो। मैं ये कह रहा था मेहता साहब कि अभी मैं भिड़े को 1 साल का वो पैसा पूरा एडवांस में दे दूंगा, बराबर। ठीक। तो इसके पास 11 महीने का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, अभी वो पैसा वो बैंक में रखेगा तो बैंक इसको ब्याज देगी, तो पैसा तो मेरा है तो ब्याज तो मुझे मिलना चाहिए ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं क्या पूरा ब्याज नहीं, आधा ब्याज तो मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। नहीं आधा क्यों जेठालाल भाई, पैसा तुम्हारा है, किसी और का पैसा तो है नहीं, 11 महीने तक तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो तुम्हें पूरा ब्याज मिलना चाहिए। आधा भले सोसाइटी का फायदा हो, सोसाइटी को मिले, बाकी का आधा तो मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं जेठालाल, तुम्हें ब्याज डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला, और वैसे भी मैंने तुमसे एडवांस में चेक नहीं मांगा था, तुमने खुद से बोला था कि मैं तुम्हें 1 साल का चेक एडवांस में देता हूँ। अच्छा तो तुझे 1 साल का पैसा एडवांस में नहीं चाहिए? नहीं अगर मिलता तो अच्छी बात है, क्या है हर महीने मांगने की मगजबानी निकल जाएगी ना।
तो फिर तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो तुम्हें ब्याज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, काम करता हूँ जेठालाल, अब तक का पिछला तुम्हारा मेंटेनेंस चेक का पूरा रिकॉर्ड में निकालता हूँ। तुमने अब तक कितनी बार मेंटेनेंस का चेक लेट दिया है वो पूरी पेनल्टी में उस पर चार्ज करता हूँ। तरीकी, ये तो दाव उल्टा पड़ गया। उसमें से भी कुछ पैसा बचता है तो मैं तुम्हें ब्याज देने को तैयार हूँ। अरे रहने दे भाई, फिर तो मुझे ब्याज से कहीं ज्यादा रकम तुझे देनी पड़ेगी। पप्पू पासा पुट्ठा पै गया। वाह वाह आराम, तुमने मस्त आइडिया लगाया। कितना मजा आ रहा है, देखा तो अय्यर भाई को। ओ जेठा ब्रा, ओ नाश्ता तो आता रहेगा, तब तक पार्टी चाटी की प्लानिंग कर लेते हैं ना। नाश्ता बागा भाई, चाय। अरे वाह, आगे लाओ 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 लाओ। सोडी भाई, मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और नाश्ता आ गया है। तो क्या हुआ, और नाश्ता करते करते पार्टी शादी की प्लानिंग करते? नहीं नहीं सोडी, नाश्ता करते वक्त कोई और काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ नाश्ता करना चाहिए। आगा, नाश्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल भाई चल, जल्दी प्लेट में नाश्ता निकाल। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाथीपुरा, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, पार्टी शार्टी की प्लानिंग भी तो करनी है। अरे आप लोग का हो गया? हाँ हाँ हो गया हो गया, कब था? वाह, नाश्ता और रजवाड़ी चाय पीने में बड़ा मजा आ गया। थैंक यू जूटा भाई, थैंक यू बागा। करस करस, मजा आ ली। कम तो नहीं पड़ा ना? नहीं नहीं, ओवर हो गया। बागा मेरा भी हो गया। बेटा कह रहा हूँ, ये सब जरा साफ कर दे। अभी कर देता। वो नाश्ता हो गया तो पार्टी की प्लानिंग करें। बिल्कुल, अभी सबसे पहले ये तय करते कि पार्टी कब करनी है। वो कब क्या करनी है? पिड़ू तू मैनु एक गल दस, वो जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन बर्थडे पार्टी करते हैं ना, तो फिर जेठा प्रा की डील आज हुई है तो पार्टी भी तो आज ही होनी चाहिए ना। हाँ नहीं नहीं बरोबर है, नहीं नहीं सोड़ी, पार्टी तो आज ही करनी पड़ेगी। आज ही करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि टप्पू सेना नहीं है ना, वो कैंप गई है, वो यहाँ पे नहीं तो पार्टी कर लेते हैं ना। हाँ सही बात है। चलो भाई, अब ये तो तय हो गया कि पार्टी कब करनी है, मतलब आज करनी है, लेकिन अब ये तय कर लेते हैं कि कहाँ करनी है। तो कहाँ क्या करनी है मेहता साहब, वो कोई अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी पार्टी शार्टी। चलो रेस्टोरेंट में जाना है तो हमें अभी निकलना होगा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से रेस्टोरेंट रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं। अरे हाँ तो फिर रेस्टोरेंट में नहीं जाते क्या, आधा पार्टी छोड़कर निकलना फिर मजा नहीं आएगा। हाँ बराबर बराबर, तो फिर कहाँ करेंगे पार्टी? दोस्तों, गोकुल धाम पुरुष मंडल को एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, चढ़ा जा सकता है कोशिश की जाए तो, लेकिन इस पहाड़ के हर कदम पे केले का छिलका, यानी कि कदम कदम पे फिसलन है। पहाड़ ये है कि हमें पार्टी शार्टी करनी है। सबसे पहला पड़ाव की पार्टी कहाँ की जाए? मान लीजिए हमने तय कर लिया कि पार्टी की जगह तय हो गई, तय कर लिया, फिर ये कि पार्टी कैसे की जाए। चलिए ये भी तय कर लिया कि पार्टी कैसे की जाए, तो सबसे बड़ा पड़ाव चंपक चाचा से कैसे छिपाया जाए, महिला मंडल को पता चल गया तो क्या होगा, और हमारे लिए मुश्किल पड़ रही है साहब, क्योंकि हम गोकुल धाम के पुरुषों का भाग्य ऐसा है, इतना शरारती कि हम सीधी सड़क पे भी चल रहे हो ना तो वो टांग खींच लेता है, तो ऐसे फिसलन भरे पहाड़ पे हमारा क्या होगा। यहाँ तो पड़ाव दर पड़ाव, कदम दर कदम खतरे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ चाहे जितने फिसलन हो आपके लिए हर कदम पे ठहाके होंगे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फाइव
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.